बिल है, इसके अंदर मेरे नजर से भी ये क्लास गुजरा था और मेरा ख्याल था कि ये क्लॉज जो है ये ठीक नहीं है, आईन और कानून की रोशनी से भी दुरुस्त नहीं है। इसमें आपने जो पास डीजीज की जितनी भी एक्ट है उसको प्रोटेक्शन दी हुई है, उसने चाहे गलत काम किया हो, लॉ के अगेंस्ट गए हो, लेकिन उसको आपने प्रोटेक्शन दी हुई। इसकी बड़ी क्लैरिटी है, इस प्रोविजन के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। इम्यूनिटीज टू द एक्शंस ऑफ पास डायरेक्टर जनरल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021, एनी एक्शन टेकन, डिसीजन मेड, प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड आर एनी अदर ऑफिशियल बिजनेस ऑफ द अथॉरिटी रन एनी ऑफ इट्स पास डायरेक्टर जनरल शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन मेरिली फॉर वॉन्ट ऑफ एनी डिफिशियंसी इन हिज डिस्क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो इसमें देखिए ये बिल्कुल क्लियर कट इम्यूनिटी आप दे रही हैं, और जाहिर है डायरेक्टर जनरल जो है वो इंसान थे, उन्होंने गलत डिसीजन किए होंगे, तो मैं समझता हूं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जो पुरानी डीजीज थे, तो पुरानी डीजीज जो थे वो भी किसी लॉ के तहत आपने अपॉइंट किए थे, इस तरह नहीं था कि देवर अपॉइंटेड एन वैक्यूम, किसी वाइड में किसी वैक्यूम के अंदर उनको अपॉइंट नहीं किया गया था, उस वक्त भी एक लॉ भी मौजूद था। इस वक्त आपने इस लॉ के तहत बाहर से डीजीज के लिए रास्ता खुला है, अब आप पीएएस के लोग भी ला सकते हैं, पीएमएस के लोग भी ला सकते हैं, सेक्रेटेरिएट ग्रुप के लोग भी ला सकते हैं, आप पुलिस सर्विस से भी लोग ला सकते हैं। आपने ये अमेंडमेंट किया है, जो पास डीजीज थी वो भी कानून के मुताबिक जो है वो अपॉइंट हुए थे, लेकिन वो उन्होंने अगर कोई गलत काम किया है इनएक्सपीरियंस की वजह से, तो आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल, इसको कोई स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है। देखिए ये जो बीआरटी के दौरान जितनी डिसीजन हुई है, एडवांस पेमेंट्स हुई हैं, बाकी चीजें हुई हैं, क्या आप उन डीजीज को प्रोटेक्शन दे रही हैं? इसके नतीजे में क्यों नहीं आता यार आपके ये अल्फाज ही चीज पर जनाब।